हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। दिस इज योर होस्ट एंकर कनिष्का गोला। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, एक क्यू एन ए किया था मैंने, उस क्यू एन ए में मेरे पास एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आया था। वो टॉपिक क्या था कि बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए व्हाइल वी आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग करते हुए। तो यार मेक श्योर, ये ध्यान रखना, बॉडी पॉस्चर प्लेज अ मेजर रोल। ये मैंने इस पे पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं यहाँ लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, वो जरूर देखना और उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको कुछ ऐसे मोटे मोटे से चार पांच पॉइंट्स से बताती हूँ जिसके अंदर दैट यू गोना वर्क ऑन इट और वो से आपका बॉडी पॉस्चर चेंज हो जाएगा। पहली बात, सी माई सेल्फ, मैं कैसे खड़ी हूँ। पहली चीज, हमेशा आपको बॉडी पॉस्चर के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट आउट होनी चाहिए, शोल्डर बैक होने चाहिए। दिस इज द फ्रंट पोस्चर, ठीक है, ये हमारा हाफ पोस्चर्स होता है। पहली चीज आपको क्या फॉलो करनी है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर मैं आपको इस तरीके से अपने आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे मेरी बैक स्ट्रेट है, ठीक है, मेरा शोल्डर्स बैक है और चेस्ट आउट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इस तरीके से पहली चीज फॉलो करनी है। दूसरी चीज जो इसके साथ में आती है, पूरे इंटायर बॉडी पॉस्चर में आती है, वो है आपकी लेग्स पोजिशन। अब लेग्स कैसे होने चाहिए, लेग्स आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा लेग्स है ना स्ट्रेट, नी पैर बंद करके नहीं खड़े होने, हमेशा आपको लेग्स को ऐसे फ्रीक्वेंट मूव करना है, ठीक है, मतलब एक पैर आगे होना चाहिए, एक पैर पीछे होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पोस्चर्स में फर्क आता है। आप अगर ऐसे खड़े होंगे तो आपको हाइट तो मिलेगी, बट क्या होगा कि आपकी बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं दिखाई देगा। बट वंस यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस ना, आपका पैर अगर एक पैर आगे है तो इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन इट। तो लेग्स प्लेज अ मेजर रोल ऑफ कोर्स, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर लेग्स। ऑल्सो तीसरी चीज जो आती है वो है हैंड मूवमेंट। यार हाथों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अभी हैंड मूवमेंट इसलिए फर्स्ट क्योंकि आप जब माइक होल्ड करोगे तब, दूसरी चीज जब अपने हाथ को आप फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे, क्योंकि आप एक हाथ से अगर माइक होल्ड करोगे परमानेंटली वही होल्ड करोगे तो क्या होगा कि आपके हाथ में स्वेटिंग होने लगेगी और आपका हाथ से माइक फिसल सकता है उस बीच के अंदर। पर इन मीनवाइल आप अगर ऐसा करो कि आप अपने फ्रीक्वेंट बार बार हाथों को चेंज करते रहो, बार बार अपने माइक को चेंज करते रहो और दूसरे हाथ को यूज करो टू टेलिंग दैट थिंग कि दिस इज समथिंग हैपन लाइक दिस, और इस तरीके से आप बातें करते करते अपनी बातों को समझाते हो, अपने हाथों को यूज करते कर सकते हो। आप मेरी हर वीडियो में, मेरे शोज में, मैं अगर आपको दिखाऊंगी मेरी हर वीडियो के अंदर, यू गोना सी कि मेरे हैंड्स मूवमेंट हमेशा रहती है, बहुत ज्यादा प्लेज होता है इस चीज का। तो मतलब हाथों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो हाथों को मूवमेंट कीप मूव करना, ज्यादा मूव करना भी अच्छा नहीं होता, बट हाँ बार बार अपने हाथों को मूवमेंट में जरूर रखना। इससे क्या होता है कि लोगों को अटेंशन बनता है, अट्रैक्ट करते हो आप उनको अपनी तरफ से। अब कभी आपने एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, आप सपोज किसी के सामने बैठकर बात कर रहे हो, आपने हैंडशेक करी, हैंडशेक करने के बाद में आप यू स्टैंड खड़े होकर बात कर रहे हो, कैसा लगेगा, समबडी इज गिविंग यू कमांड। और अगर आप कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो तो हाउ यू गोना डू इट, लाइक आप इस तरीके से बात करते करते अपने हाथों को ऐसे फ्रीक्वेंट मूव करोगे जिस बीच के अंदर क्या होगा, वो चेंज क्रिएट करेगा, मतलब सामने वाले पर्सन को लेकर दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू इन दैट कन्वर्सेशन, विच मींस यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट। सो आपको ये चीज फॉलो जरूर करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल बॉडी लैंग्वेज थिंग, विच इज द फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस प्लेज अ मेजर रोल। अभी क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन से आई एम गोना टॉक अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन, सो व्हाट यू हैव टू डू द फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर। यार मैं बहुत सारी चीजों को देख चुकी हूँ, लाइक फ्रॉम सिंस लाइक 7 years, 7 साल के करियर के अंदर आई एम गोना सी दिस थिंग कि मैंने बहुत लोगों को देखा, वंस दे बी ऑन स्टेज ना कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, दे गेटिंग एकदम हंसते हंसते वो ना सीरियसनेस आ जाती है। हमें सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट कि हमें दिखाना है कि वी आर हैविंग अ स्माइली फेस, जॉली नेचर, मतलब नेचर अपने चेहरे पे दिखाना है कि हंसते हंसते हम बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज आपको हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, हमेशा हमेशा अपनी एवरी वीडियो के एंड में आपने सुना ही होगा कि हर वीडियो का, हर चीज का इन कंक्लूजन ये होता है कि आप हंसते हुए चेहरे से जो चीज करते हो ना, वो चीज आपको अल्टीमेटली रिटर्न बैक करती है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझ गए होंगे कि हंसी का कितना बड़ा रोल है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप मेरे सामने हो और अगर मैं आपको वीडियो इस तरीके से बनाऊं कि मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से और मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है कुछ भी, मतलब मैं थोड़ा सीरियस हो गई हूँ, अब मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई हूँ, धीरे धीरे करते करते मेरी वॉइस लो होगी, धीरे धीरे करते करते मेरी स्माइल के अंदर चली जाएगी और धीरे धीरे करते करते मैं एकदम डाउन हो जाऊंगी। अब क्या होगा कि जहां आप मेरी बात सुन रहे थे ना, हो सकता है कि थोड़ी देर में आप वीडियो को बंद कर दोगे, हटा ये मतलब कैसे बात कर रही है, ऐसे कौन बोलता है। अगर
मैं इस तरीके से ना बात करके और ऐसे बात करूं कि देखो मैं अभी आपको क्या बताने वाली हूँ, दैट यू हैव टू नोटिस इट। और चेहरे पे स्माइल रखकर अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी तो शायद ऐसा होगा कि आपका चेंज, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग ये चेंज हो जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट टाइम कि आपको मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा। सिमिलरली ऑडियंस का भी यही होता है, मतलब अगर आप हंसते हुए दिखाओगे ना तो ऑडियंस को कनेक्टिविटी मिलती है आपके साथ में। मेक श्योर ये चीज बहुत ज्यादा प्लेज है, ठीक है। नाउ द फाइनल स्टेप जो आता है इन द इंटायर बॉडी लैंग्वेज थिंग, देखो हमने क्या कर लिया, अपर बॉडी कवर कर लिया, हमने बैक हो गया हमारा, हमारा लेग्स हमने कवर कर लिए, हमारे हैंड्स हमने कवर कर लिए, फेशियल एक्सप्रेशन आ गए। बॉडी लैंग्वेज के अंदर और फेशियल एक्सप्रेशन में एक पॉइंट ऐसा है जो स्टिल एवरीवन इज गॉट दिस, वो क्या होता है सोच कर देखो, वो ये होती है आई कॉन्टैक्ट, आंखें। अब ये आंखें है ना सब कुछ बयां कर देती है, आंखों में डर पता लग जाता है, आंखों में सैडनेस पता लग जाती है, आंखों में गुस्सा पता लग जाता है, आंखों में हर एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। नाउ आपका पॉइंट है कि आपको अपने आंखों वाले एक्सप्रेशन को क्या दिखाना है। हो सकता है आप चेहरे पे झूठी स्माइल तो रखकर खड़े हो गए हो पर आंखों में डर हो, पता लग जाएगा, साफ पता लग जाएगा। मतलब अगर मैं भी हूं ना तो ये भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, ये शायद सामने वाला पर्सन इजीली जज कर लेगा। तो ये लोगों को आप नहीं हिम्मत सोचना कि ऑडियंस पागल होती है, भाई ऑडियंस बहुत समझदार होती है, ठीक है। तो ये ऑडियंस बहुत जल्दी पता लगा लेगी कि आपके मन में क्या चल रहा है और ये आंखों में क्या गेम है। तो मेक श्योर आई कॉन्टैक्ट प्लेज अ मेजर रोल, मैंने पहले भी बताया हुआ है इस चीज के लिए। तो आई कॉन्टैक्ट क्या है इसके ऊपर थोड़ा मैंने वीडियोस एक्सप्लेन में बनाई हुई है, उसको देख लेना जरूर कि कैसा आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपका और कैसा नहीं होना चाहिए। बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में आई कॉन्टैक्ट कहाँ रोल प्ले करता है। वो ये प्ले करता है कि वेन यू आर स्टैंडिंग, वेन यू आर वेयरिंग हील्स, वेन यू आर वेयरिंग योर आउटफिट एंड आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो बट आपकी नजरें इधर से उधर भाग रही है। अभी मैं अगर देखूंगी ना, मैं आपसे बात करते हुए इधर उधर देखूंगी तो यू विल इजिली नोटिस दैट थिंग कि बोल तो इधर रही है पर नजरें इधर उधर है इसकी, है ना। बट अगर मैं आपसे सेम ऐसे बात करूंगी तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, राइट। तो मीनवाइल जब भी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये जरूर ध्यान रखना कि किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट जरूर करना। कभी भी किसी से नीचे नजरें करके बात नहीं करना, नीचे नजरें करके, चाहे सीनियर्स क्यों ना हो। मैं आज की डेट में मैं उस चीज को बिलीव नहीं करती हूँ कि सीनियर्स होंगे तो नजरें नीचे करके बात करनी चाहिए, आंखें से आंखें मिलाकर बात करो। हो सकता है आपको डराना नहीं है, मेक श्योर ये ध्यान रखना, प्लीजिंग स्माइल चेहरे पे और आंखों में नॉर्मल और ब्लिंक करते रहना। ऐसा नहीं यू करके देखते रहो, वो खतरनाक हो जाएगा, वो वाला नहीं करना पॉइंट। तो हमें ब्लिंक करना है, टाइमली ब्लिंक करते रहना, टाइमली देखते रहना एंड विच मेक्स अ प्लेज अ लाइक मेजर रोल। आप देखना सारी चीजें चेंज हो जाएगी इस चीज को। ये पांचों चीजें जो मैंने बताई है, व्हाट यू हैव टू डू, इन चीजों को आप प्रैक्टिस करनी है। इन प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करके ये इंप्रूव होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज बताई और आप बॉडी लैंग्वेज आप फॉलो कर लोगे, बिल्कुल फॉलो करते यू विल गेट दैट थिंग, नो। आज भी मैं भी बहुत बार समटाइम्स मिस कर देती हूँ कुछ चीजें, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा सर पे लोड नहीं लेना इस चीज का, कामली तरीके से करना है, समझते हुए करना है एंड यस पांच चीजों को फॉलो करके प्रैक्टिस करना इन फ्रंट ऑफ मिरर। वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है पूरा, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, देख लेना और पता लग जाएगा मैंने मिरर के सामने वीडियो बनाई हुई है वो वाली। तो मेक श्योर यू विल सी कि मैं इंडोर अगर है, मिरर है हमारे पास में, हम कैसे मिरर के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं, राइट, और फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे रख सकते हैं। वेल आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, मैंने रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बनाया था। तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज़रा शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर बताना इस चीज़ के बारे में कि आपको लगता है किसी का दोस्त का पोस्चर ठीक नहीं है तो जरूर शेयर कर देना। हो सकता है इट्स नॉट समथिंग अबाउट द पब्लिक स्पीकर, इट्स अबाउट टू एवरीवन। बॉडी पोस्चर सबके लिए प्लीज है, सबके लिए रोल प्ले करता है। तो बस यही चीज फॉलो करते रहो और देखते रहना वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।